वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अपने शरीर का कालापन को हटाने का सिंपल तरीका बताने वाली हूँ। इससे आपका बॉडी टैनिंग को हटा के आपका बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं और आपका स्किन को क्लीन, क्लियर और स्पॉटलेस बना सकते हैं। इससे ये पैक बॉडी टैनिंग को हटाता है, इसके साथ ही साथ आपका बॉडी हेल्दी ग्लोइंग रहेगा। और कैसे करना है इस वीडियो में बताऊँगी, सो चलिए वीडियो को देखते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पर बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं, तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए। इस रेमेडी के लिए आपको एक बॉल में कॉफ़ी पाउडर 1 टेबल स्पून, अगर आप मैं हैंड्स के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो 1 टेबल स्पून ले रही हूँ, आप पूरा बॉडी के लिए थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर, 1 टेबल स्पून राइस फ्लोर चावल का आटा और इसमें 1 टेबल स्पून नारियल की तेल और 1 टेबल स्पून हनी और इसमें दही ऐड करके फाइन पेस्ट तरह मिक्स करना चाहिए। ये पैक काफ़ी इफेक्टिव है, इससे स्किन कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव होगा, स्किन टोन बढ़ता है। ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है और इससे जो इंग्रेडिएंट्स है घरेलू इंग्रेडिएंट्स है आपके घर में इजीली अवेलेबल होगा। इससे आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव होगा, आपका स्किन हेल्दी और टाइटन हो जाता है। ये पैक ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मेल, फीमेल, टीनेजर्स, आप इसको किड्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। 100% सेफ इफेक्टिव है ये, इसको आप वीकली पैक की तरह यूज़ कर सकते हैं, वीकली स्क्रबर की तरह यूज़ कर सकते हैं। इससे स्किन पे डेड स्किन सेल्स रिमूव होंगे, हाथ पैर पूरा शरीर का कालापन को हटा देते हैं ये पैक। ये काफ़ी इफेक्टिव है और ये आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करता है। इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ हैंड्स के ऊपर, आप पूरा बॉडी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये पैक को मेक श्योर आप अप्लाई करते हुए के टाइम पर स्क्रब करते हुए, जेंटली स्क्रब करते हुए अप्लाई करने से आपका स्किन पे डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाएंगे, आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव होगा, आपका स्किन हेल्दी और टाइटन हो जाता है। ये इसमें है कॉफ़ी, आपका स्किन पे स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, स्किन पे डार्क स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स को हटा देता है और इससे आपका स्किन हेल्दी होगा और इससे आपका स्किन पे टैनिंग दूर होता है, ब्राउन स्पॉट्स, एक्ने मार्क्स भी दूर होगा, आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करके आपका स्किन टोन को बढ़ा देता है। ये पैक्स काफ़ी इफेक्टिव हैं और इससे स्किन पे एक्ने मार्क्स भी रिड्यूस हो जाएगा, अगर आपके बॉडी पे एक्ने है, पिंपल्स है, इसको भी हटा सकते हैं। इससे आपका स्किन हेल्दी और रेडिएंट होगा, सन टैनिंग को हटा के शरीर का कालापन को हटा देता है, स्किन को क्लीन, क्लियर, इवन आउट बना देता है। तो मेक श्योर आप इसको अप्लाई करने के टाइम पे सर्कुलर मोशन में अप्लाई कीजिए, डेड स्किन सेल्स रिमूव होगा, आपका स्किन हेल्दी हो जाएगा। इसको फेस पे अप्लाई करने के पहले फेस को फेस वॉश या क्लेंजर से नीटली वॉश करके आप थोड़ा सा वेट फेस पे इसको अप्लाई कीजिए, जेंटली आप सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए अप्लाई करने से अगर आपके स्किन पर डेड स्किन सेल्स है, टैनिंग भी है, वो भी रिमूव होगा, आपका स्किन हेल्दी और रेडिएंट होता है। ये पैक ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, 100% सेफ इफेक्टिव है आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। इसको आपको चेहरे के ऊपर अप्लाई कीजिए, अप्लाई करके 10-15 मिनट तक छोड़ के आपके चेहरे को नॉर्मल पानी से वॉश कीजिए। इसके अंदर है नारियल के तेल, ये आपका स्किन को स्मूथ कर देता है, स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करके आपका स्किन टोन को बढ़ा देता है। इससे आपका स्किन हेल्दी और रेडिएंट होगा और आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन भी बढ़ जाता है। ये पैक से आपका स्किन टोन भी इम्प्रूव होगा, अगर आपका स्किन ज़्यादा ही टैनिंग है तो आप एक कॉफ़ी स्क्रब को आप शावर करने के टाइम पे एवरीडे यूज़ कीजिए, डेड स्किन सेल्स रिमूव होंगे, आपका स्किन हेल्दी होगा, रेडिएंट होगा। इससे स्किन पे रिंकल्स, फाइन लाइंस, रेड्स भी रिड्यूस होगा और आपका के एज को भी स्लो डाउन करता है। इसमें कॉफ़ी में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रहता है, ये आपका स्किन का एजिंग को स्लो डाउन करता है, आपके स्किन को यूथफुल और यंगर बना देता है। काफ़ी सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं घरेलू इंग्रेडिएंट्स हैं, इससे आपका स्किन हेल्दी, रेडिएंट होगा और स्पॉटलेस बन जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पर बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं, तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए।